नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रजनीकांत ओझा। आज मैं आपको बताऊंगा कि सबसे शक्तिशाली धनुष कौन सा था और इन धनुषों को कौन धारण करता था। पिनाक, यह धनुष भगवान शिव के पास था। इस धनुष से महादेव ने त्रिपुरासुर का वध किया था। इसके एक ही बाण से त्रिपुरासुर की तीनों नगरी का विध्वंस हो गया था। राजा दक्ष के यज्ञ में भाग न मिलने से भगवान शिव क्रोधित हो गए थे। उन्होंने अपने पिनाक धनुष से देवताओं की नाश करने की ठानी। पूरा वातावरण भयानक सा हो गया था। धरती और पहाड़ डगमगाने लगे थे। बड़ी मुश्किल से उनका क्रोध शांत किया गया। इस धनुष को भगवान शंकर ने स्वयं अपने हाथों से बनाया था। बाद में यह धनुष भगवान शिव ने परशुराम जी को दे दिया था और परशुराम जी ने राजा जनक को। उनके इस विशालकाय धनुष को कोई उठाने तक की क्षमता नहीं रखता था। भगवान राम ने स्वयंवर में इस पर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए उठाए और यह टूट गया था। सारंग धनुष, यह धनुष भगवान विष्णु के पास था। सारंग का अर्थ होता है रंगा हुआ या बहुत ही सुंदर। यह बहुत प्रलयंकारी धनुष था जिससे एक ही बार में अनेकों दिव्यास्त्र का संधान किया जा सकता था। बाद में धनुष भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के पास आ गया था। श्री कृष्ण ने इस धनुष से अनेकों लड़ाइयाँ लड़ी थी। कोदंड, यह धनुष भगवान राम के पास था। भगवान राम ने समुद्र को सुखाने के लिए इस धनुष पर बाण चढ़ाए ही थे कि समुद्र देव प्रकट होकर त्राही त्राही करने लगे। भगवान राम को कोदंड भी कहा जाता है। इसका अर्थ होता है बांस से निर्मित। गांडीव धनुष, यह धनुष अर्जुन के पास था। इस धनुष के टंकार से पूरा युद्ध क्षेत्र गूंज उठता था। इसके सैकड़ों प्रत्यंचाएं थी। कहते हैं कि कण्व ऋषि कठोर तप कर रहे थे, उनके शरीर पर दीमक लग गए थे और वहां आसपास मिट्टी का ढेर लग गया था। इसी मिट्टी पर बांस उगाए थे। ब्रह्मा जी ने वह बांस विश्वकर्मा जी को काट के दे दिया। उन्होंने इस बांस से कोदंड, सारंग और गांडीव धनुष का निर्माण किया था। सारंग धनुष भगवान विष्णु के पास था, कोदंड धनुष भगवान राम के पास था तथा गांडीव वरुण देव से होते हुए अग्निदेव के पास पहुंच गया था। अग्निदेव ने यह धनुष अर्जुन को दे दिया था। विजय धनुष, यह धनुष कर्ण के पास था। वैसे तो महाभारत काल में सैकड़ों योद्धा हुए लेकिन कर्ण जैसा धनुर्धर कोई नहीं था। कवच कुंडल नहीं उतरवाते तो कर्ण को मारना लगभग असंभव ही था। कर्ण के धनुष में इतनी ताकत थी कि अर्जुन के रथ पर हनुमान जी और कृष्ण जी के होने के बाद भी रथ को पीछे धकेल देता था। इसी प्रकार पितामह भीष्म के दिव्य धनुष का नाम वायव्य था, जो कि काफी खतरनाक और शत्रुओं को भयभीत करने वाला था। इन सभी धनुषों में भगवान शिव के पिनाक तथा भगवान विष्णु के सारंग धनुष को श्रेष्ठ माना गया है। इनमें भी महादेव का पिनाक बहुत प्रलयंकारी था। धन्यवाद दोस्तों, यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट सेक्शन में बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।